देखिए दोस्तों, पाली का रेलवे प्लेटफार्म बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। अभी जो पाली का जो पारा चढ़ा हुआ है तापमान वो 47 के आसपास है दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ ये कोई पुराने ज़माने का माल गोदाम बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आज के समय में पेड़ पौधे होना बहुत आवश्यक। देखिए इस पेड़ के नीचे कितने सारे लोग खड़े हैं, है ना, छाया में कितने सारे लोग खड़े हैं। इसलिए दोस्तों पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वरना इस प्रकार से तो दोस्तों धीरे धीरे जो है पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो जो है गर्मी तापमान जो है इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा दोस्तों, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। ये बोतल लाई क्या आगे है? नहीं वो प्यो करना है की प्यो? आगे प्यो एक पकड़ में लेना हूँ, देखा मेरा तो मैं तू ले ले अबे टाइम भी करना डाल दो है दो लाई मैं आऊँ देख लेना हूँ। ये देखिए दोस्तों, पानी के लिए मारामारी चल रही है, पानी है नहीं इधर, इसलिए बोतल ली है। अब गर्मी के मौसम है दोस्तों, पानी की तो प्यास ज़्यादा लगती है। और फिर लंबा सफ़र भी है दोस्तों, अहमदाबाद जाना है उनको, ठीक है ना। ये देखिए पाली मारवाड़ का सिंबल लिखा हुआ आ रहा है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है दोस्तों। आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1, अभी यहाँ पानी तो दोस्तों कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है मुझे तो। ओ भाई ने तो भांडजन से दो पानी की बोतल लेके आ गया है, दुकान से परचेज कर ली उसने। ये टीन शेड है लगा हुआ है, अब कुछ राहत मिली है दोस्तों, अब कुछ राहत मिली है। पानी यहाँ वाटर कूलर यहाँ पर लगा हुआ था दोस्तों, अब पता नहीं हटा दिया गया है या ख़राब हो गया है। ये है प्लेटफॉर्म संख्या 2, प्लेटफॉर्म संख्या 2 और ये प्लेटफॉर्म संख्या 1। ये यहाँ से निकल, देखिए गाय भी आ रही है, इसको भी जाना है अहमदाबाद, इसको भी अहमदाबाद जाना है। इसने भी टिकट ले लिया शायद, लग रहा मुझे। पानी का कुछ लग तो रहा है, अब देखो पानी कैसा है, ठंडा तो मुश्किल है, ठंडा होगा। ये सब ऑफिस है इनके, स्टेशन मास्टर के और इनके। अब देखिए ये लिखा हुआ तो है शीतल जल, अब पता नहीं शीतल है या गर्म है, वो तो अब देखने से पता चलेगा। भाई ठंडा आ रही है गर्म आ रही है? ठंडा ज़्यादा, थोड़ा सा ठंडा। ये बच्चा बोल रहा है कि ठंडा आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, इसके अंदर आते हैं। तो ये बच्चा पानी भर रहा है, इसमें पानी आ रहा है, अब पता नहीं कब तक भरेगा, जाते मेरी ट्रेन आ जाएगी। ये देखे दोस्तों अपना नंबर लग गया है पानी भरने का, भर रहे पानी दोस्तों, बोतल भर रही है। और देखे ये पैसेंजर, खूब सारे पैसेंजर बैठे हैं। ये ट्रेन ओनली फॉर जो है मंगलवार को ही चलती है, स्पेशल ट्रेन है। तो ये पुणे है जो क्या कि काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन है दोस्तों, इसलिए इसमें काफ़ी भीड़ आती है, भीड़ ज़्यादा आती है दोस्तों। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, अपनी बोतल भर गई है दोस्तों, मैंने ढक्कन भी लगा दिया है। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वापस, सिस्टर जहाँ पर है वहाँ पर चलिए वापस देखते हैं। और आपको बता रहा हूँ स्टेशन, ये देखिए आरक्षण टिकट घर, ये है स्टेशन मास्टर का ऑफिस, स्टेशन मास्टर
ठीक है ना। ये लिखा हुआ है पुणे एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन आ रही है ना पुणे एक्सप्रेस, वो है रणकपुर पुणे एक्सप्रेस। और ये देखिए, ये क्या आपको यह चीज़ बताना चाहूँगा, ये पंखा देखिए कितना बड़ा पंखा है, ये देखिए बहुत अच्छी हवा आ रही है। ठंडी तो नहीं आ रही है, गर्म हवा आ रही है, गर्मी का मौसम है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो पानी की बोतल हमने भर ली है, अब इंतज़ार है तो ट्रेन का, ट्रेन में इनको बिठा के चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और उनके पास में सामान लगेज भी ज़्यादा है, तो अभी बिठा के चलते हैं। ये वेटिंग रूम में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाला का अपर क्लास वेटिंग रूम, और देखिए ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। ये गाय भी आ गई है, ये भी वेटिंग कर रही है, वेट कर रही है कि कब ट्रेन आवा, कब मैं अहमदाबाद वाली ट्रेन में चलूँ, है ना। तो बने रहेगा दोस्तों साथ में, दिखाएंगे आपको पालीक का और रेलवे स्टेशन। बहुत धूप है दोस्तों, ख़तरनाक धूप पड़ रही है, हालत ख़राब हो रही है दोस्तों, मुंह सूख रहा है। और ये रेलवे सुरक्षा बल पुलिस चौकी है, थाना तो इसका जोधपुर लगता है, पुलिस चौकी यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 ही है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर सब ये जो है इलेक्ट्रिक वाली जो ट्रेनें शुरू हो गई, ये सब इलेक्ट्रिक वाली सी चलती है आजकल, जो डीजल वाली सी चलती थी वो सब करीब करीब बंद हो चुकी है। और ज़्यादातर जो है जो मालगाड़ी होते हैं माल परिवहन करने के लिए, लाने ले जाने के लिए, उसमें डीजल का डीजल सेट का उपयोग किया जाता है, ठीक दोस्तों। बने रहेगा साथ में, आपको और दिखाएंगे, थैंक यू। दो देख के दोस्तों ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए पुणे एक्सप्रेस ट्रेन आ गई है, और ये अब जाएगी पुणे अहमदाबाद होकर। अभी आपको लेकर खड़ा रहना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा दूर ही खड़ा रहना है ना, ये देखिए बहुत गर्म है। आगे सीट थी आगे, सीट थी आगे, सेकंड क्लास वाले। अभी आपको ऐसे ले खड़ा रहना है, जनरली ये रिकवर तो आ रहा है यार, देखो ये उसके ध्यान को दीजिएगा, इंदु फोन कर दिया। हाँ सीट पर आराम जाए, जाओ भैया फोन कर दिए, खाना खा लीजिए रास्ता में, हाँ और आइए, आओ भैया आराम जाइए भैया। अभी चालू करो ना इसको, हाँ देखिए दोस्तों ट्रेन रवाना हो चुकी है, बहुत टाइम बहुत कम समय स्टॉपेज होता है इसका। ये देखिए ट्रेन रवाना हो चुकी है, पुणे एक्सप्रेस, हम रह गए पीछे। ये देखिए गार्ड साहब जा रहे हैं, देखिए विकलांग ये दिव्यांगजन के लिए तो बिल्कुल खाली है डिब्बा। अब देखिए दोस्तों हम पीछे रह गए हैं, हम पाली रह गए हैं, और मेरी सिस्टर और भांजा जो है अहमदाबाद,
चले गए, जा रही है ट्रेन अहमदाबाद की। मुझे भी दोस्तों ट्रेन का सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे और अभिषेक दोनों को। हम भी गए थे अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद, बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको धूप में है जो, अब आपको धूप लग रही होगी इसलिए अब आपको धूप पर नहीं लेके जाएंगे, अब आप आराम कीजिए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को, मिलेगा वापस। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय श्री राम।